वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ जो कि है गुड वाइब्स वाटरमेलन जेल। तो इसके बारे में रिव्यू मैं करने वाली हूँ, तो चलो आप वीडियो को देख लो, मैं आपसे मिलती हूँ एंड में। देख सकते हो आप गुड वाइब्स वाटरमेलन जेल। क्वांटिटी के बारे में मैं बता दूँ इसका, तो ये 300 ग्राम आपको मिल जाएगा। और इस पे क्या क्या है? नो पैराबेंस, नो सिलिकॉन, क्वालिटी फ्री, नो मिनरल ऑयल, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो इंग्रेडिएंट के बारे में मैं आपको बता दूँ, उससे पहले मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बता दे रही हूँ। तो प्राइस आप देख सकते हो 399 यानी कि 400, लेकिन आपको ऑफ़र में ये आराम से मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। पर्पल में तो हमेशा ऑफ़र चलती ही रहती है। इंग्रेडिएंट्स में अभी पढ़कर वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, तो मैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिखा दे रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है? सो मैं अपना बेनिफिट इसमें बता दूँ कि ये मैंने इसे कैसे यूज़ किया और मैं इसे यूज़ करके क्या बेनिफिट पाया मैंने। सबसे पहले पैकेजिंग बता दूँ तो ये प्लास्टिक पैकेजिंग में आएगा और बहुत क्यूट पैकेजिंग है इसका, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया पैकेजिंग। और प्रोडक्ट के बारे में मैं बोल दूँ तो प्रोडक्ट आप देख सकते हो मैंने कितना यूज़ कर लिया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत जेल जेल की तरह लगता है, बहुत ठंडा ठंडा लगता है, आपके फेस पे बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है, थोड़ा भी चिपचिपा नहीं लगता। और आपकी स्किन अगर कहते हैं ना कि थोड़ा भी डिहाइड्रेट रहे तो ये इसे हाइड्रेट कर देती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। फ्रेग्रेंस की बात करूँ मैं, अगर इसकी खुशबू की बात करूँ मैं, तो बहुत ही अच्छा खुशबू है इसका, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट किसी किसी को पसंद नहीं आ सकता, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हो मैंने इसे कितना यूज़ कर लिया। मैं इसे अपने फेस पैक पे या तो मैं इसे जब भी नहाती हूँ गर्मियों में एज अ मॉइस्चराइज़र के तरह मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है जिसकी, मतलब गर्मियों में तो आई थिंक सबको ही ऐसा ही मॉइस्चराइज़र लगाना, तो ऐसा ही मॉइस्चराइज़र गर्मियों में सबको लगाना चाहिए क्योंकि ये बहुत लाइट वेट रहता है और आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट भी कर देता है। और मैं इसे अपने बालों में भी लगा लेती हूँ नॉर्मल ऑयल के साथ, कोकोनट ऑयल के साथ मैं इसे मिक्स करके अपने बालों में भी लगा लेती हूँ। बहुत अच्छा हो जाता है, मेरे बाल का कंडीशन भी बहुत अच्छा हो जाता है, जो रफ़ हुआ रहता है ना बहुत स्मूथ हो जाता है। तो आप इसे दोनों में आराम से यूज़ कर सकते हो, अपने बालों में भी और अपने स्किन में भी। और एज अ टोनर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, अगर आप वाटर मतलब पानी में इसे एक चम्मच डाल लो, उसके बाद इसे अपने फेस पे अच्छे से स्प्रेड करो तो ये टोनर का भी काम कर लेगा। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी मिल जाती है आपको कि आप बहुत दिन तक मतलब अच्छा ही चल जाता है, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। अगर आप नया मतलब फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो छोटा वाला पैकेजिंग लेके आप एक बार यूज़ करके देख सकते हो आपको सूट करता है या नहीं। मैंने तो पहली बार छोटा वाला पैकेजिंग ही मंगाया था पर्पल से और यूज़ करके मैंने देखा, बट उसके बाद ही मैं ये बड़ा वाला पैकेजिंग लेके आई हूँ जो कि मैं अभी अपने बालों पे, स्किन पे, फेस पैक पे सब और टोनर की तरह मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो रिव्यू मेरा बस यही था कि मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गर्मियों के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा वर्थ ही लगा ये प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा लगा। मैं आप सबसे हाईली रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इसे एक बार ट्राई करोगे तो आप कभी भी अफसोस नहीं करोगे कि आपके पैसे मतलब गलत जगह चले गए, आप कभी भी नहीं करोगे। आप एक बार मेरे कहने पर ट्राई करके देखो। बस आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना मेरे चैनल को प्लीज़। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।